नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट में। फिर से हाजिर हैं आपके पास लेकर अच्छी खबरें, एकदम 100% जेन्यून खबरें लेके। और इस अच्छी खबरों वाली शेयर हम लेके आए हैं ऐसी खबरें जो जेन्यून खबरें हैं, है ना, जिसको आप देख के, इसको देख के एनालिसिस करके आप अच्छी पोजीशन ले सकते हैं मार्केट में। आप शेयर मार्केट में रियली पैसा कमाना चाहते हैं तो हवा हवाई खबरों को देखने से अच्छा है रियलिस्टिक खबरों में फोकस करिए। 3 महीने कंटिन्यू ऐसी खबरें देखिए जिस कंपनी में अच्छी खबर हो या बुरी खबर हो, उसको आपको रियलिस्टिक खबर पता चले। आप 100% आपका दावा है हमारा कि आप शेयर मार्केट में पैसे ही कमाएंगे। ये डीप एनालिसिस वगैरह कुछ नहीं, फ्यूचरिस्टिक बातें नहीं है, जो रियल में हुआ है, गुजरा है, वही बातें बताई जाती है। और कि जितने खबरें हमने तुरंत मार्केट खुलने से पहले आपको एक दिन पहले बताते हैं, वही खबरें बाद में आपको चैनल्स में मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की अच्छी खबरें लेके। तो पहला खबर लेते हैं दोस्तों, GMR एयरपोर्ट। हम इससे पहले भी एक बार GMR एयरपोर्ट के बारे में बताए हैं। तो GMR एयरपोर्ट में खबर रखिएगा, ये इन्होंने कहा कि कंपनी आर्म्स रेज 3,125 करोड़ इन डेट फाइनेंसिंग फॉर द भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, जो राजमंडी के पास भोगापुरम एयरपोर्ट है, इसके लिए इनको बिल्डिंग इनको मिला हुआ है, उसके लिए 3,100 करोड़ का इनको बहुत बड़ा कर्ज का फाइनेंसिंग भी हो चुका है, जो कि इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़बरदस्त खबर है। इस खबर के ऊपर जरूर ध्यान रखिएगा। GMR ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, ये जितने भी इंडिया में मैक्सिमम एयरपोर्ट है, मुंबई से लेकर हैदराबाद से लेकर, ये सभी को यही ऑपरेट करती है। तो दोस्तों आगे खबर करते हैं, बहुत बढ़िया खबर में आते हैं डॉक्टर रेड्डी लैब में। हाँ जी, ये वर्ल्ड क्लास फार्मास्यूटिकल कंपनी है हमारे इंडिया की। और इन्होंने ये कहा कि इंस्पेक्शन वाज कंडक्टेड फ्रॉम December 4 से December 8, है ना, USFDA का। और कंपनी से वी हैव बीन इशूड अ फॉर्म 483 विद द 3 ऑब्जर्वेशन विच विल बी एड्रेस विद इन द स्प्लिटेड टाइम। तो दोस्तों देखिए, USFDA जो होता है, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एसोसिएशन, ये अमेरिका में जितने भी फार्मासी रिलेटेड मेडिसिन रिलेटेड कंपनियां हों उसको इसकी गाइडलाइंस पालन करना पड़ता है। हर साल ये विजिट के लिए आती है हर एक कंपनी में जो इसका अप्रूव होते हैं, अप्रूव वेंडर होते हैं, और वो हर साल एक ऑब्जर्वेशन देते हैं कि एज पर जो उनके नॉर्म्स है उसके हिसाब से ये कंपनियां काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है कि नहीं करती है। इसके अप्रूवल के बिना आप वहां दवा नहीं बेच सकते। तो ये ऑब्जर्वेशन मिला है, तो मेरी राय यह है कि डॉक्टर रेड्डी लैब में December 4 से December 8 के बीच में जो इनका जो कंडक्शन हुआ है, इसका मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन में इसका रिजल्ट आ जाता है। ऑब्जर्वेशन जो दिया है उसको क्या क्लियरेंस मिलता है, तब तक इसमें आप कोई से भी ऑप्शन फ्यूचर या कोई भी मार्केट में इसको ऑब्जर्वेशन मत लीजिए। अगर मान लीजिए निगेटिव खबर आता है तो ये 5 से 10% मार्केट में स्लंप मारेगा या नीचे गिरेगा। तो ये ब्रेकिंग न्यूज है, रियलिस्टिक खबर है, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। दोस्तों REC लिमिटेड, REC कंपनी आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की REC कंपनी जो आपका जितने भी यूरिया वगैरह फर्टिलाइजर बनाती है उसकी कंपनी है। इन्होंने क्या कहा कि 200 मिलियन यूरो लोन, 200 मिलियन यूरो लोन विद जर्मन बैंक्स, है ना, KfW, तो प्रोपेल टू पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर रिफॉर्म्स। तो ये जितने भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए REC लिमिटेड को इन्होंने जर्मन बैंक से 200 मिलियन यूरो का लोन इन्होंने जर्मन बैंक से मिला है, ये गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, ये बूस्ट मारेगा। टाटा मोटर्स में जैसे मैं इससे पहले 2 दिन पहले ही मार्केट में आने से पहले ये खबर मैंने बता दिया था कि 2024 जनवरी से ये अपने व्हीकल्स का जो कमर्शियल व्हीकल्स है उसका रेट 3% तक बढ़ा रहा है। हम फिर से एक बार रिमाइंड कर रहे हैं क्योंकि ये लेटेस्ट मार्केट में आ चुका है, तो इस खबर पर ध्यान रखिएगा। इसका मैं एक थोड़ा सा एनालिसिस कर दूं कि कई लोग क्या ना मार्केट का प्राइस बढ़ेगा बोल के इसमें पोजीशन ले रहे हैं, पोजीशन लेने के बाद अपसाइड जाएगा, ये दोस्तों ऐसा नहीं है। देखिए ये आप इसमें बच के रहिएगा, सावधानी बरतिए। कारण ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर व्हीकल्स कंपनियाँ एक कंपनियाँ रेट बढ़ाती है, सिर्फ एक कंपनी बढ़ाती है, तो उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि उससे सेल्स डाउन हो सकता है। अगर सभी कंपनियाँ बढ़ाती है तब इसका भी मार्केट में बढ़ेगा, तो ध्यान रखिएगा इसमें पोजिशन लेने के लिए थोड़ा सावधानी बरतिएगा। जैसे ये खबर आई तो तुरंत तो साइकोलॉजिकली रूप से बढ़ा, लेकिन ये मार्केट में डाउनफॉल मार सकता है, हालांकि वो शॉर्ट टर्म रहेगा। SCL टेक में खबर, अगली खबर में देखते हैं, SCL टेक्नोलॉजी जो है वो फुटप्रिंट और रोमानिया में न्यू ग्लोबल डिलीवरी सेंटर। तो ये रोमानिया में SCL टेक्नोलॉजी वो हमारी इंडिया की 4th लार्जेस्ट टेक्नोलॉजिकल कंपनी है। तो ये टेक कंपनी जो है ये रोमानिया में ग्लोबल डिलीवरी सेंटर ISI में बनाने जा रही है और वहाँ पर इन्होंने काम चालू कर दिया। तो ये अपने एक्सपेंड कर रही है, वर्ल्ड क्लास कंपनी है, ये जरूर इसमें फोकस रखेगा। तो एक छोटी सी कंपनी रामको सीमेंट, जो एक मल्टीबैगर कंपनी है सीमेंट में सेक्टर के लिए, इन्होंने कहा है, बहुत अच्छी खबर इसको मिली है, कंसेंट ऑपरेट फ्रॉम द आंध्र प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्लिंकर्स कैपेसिटी, जो क्लिंक बनाती है ना, क्लिंकलाइजेशन, क्लिंक मतलब क्या होता है दोस्तों, सीमेंट बनाने के लिए ना एक लाइम स्टोन होता है और एक क्लिंक होता है। क्लिंक क्या ना, उसमें एक कंपोनेंट होता है, उसको मिलाने के बाद ही सीमेंट बनता है, जो मजबूत बनता है ना सीमेंट को पानी डालने में जो मजबूती आता है वो क्लिंक से आता है। तो इसके लिए पॉल्यूशन कंट्रोल से इनको क्लियरेंस मिला है, ये बहुत बड़ी खबर है, मेगा न्यूज़ है। इसमें
जनरल पोजीशन बना सकते हैं और ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल में हमेशा याद रखिए कि अच्छी या निगेटिव खबरें, जो रियलिस्टिक खबरों के दम पर अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे या कोई भी ट्रेड करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको फेस्टिक दिन ही बनाना है कि जैसे चैनल में आते हैं कि 3 शेयर मल्टीपैक बनेंगे, 5 शेयर मल्टीपैक बनेंगे, ये जो भविष्य की वाली खबरें हैं बिना रियलिस्टिक खबरें, उसमें आप देख देख के बोर हो गए होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट न्यूज़ ही मिलेगा। अब 3 महीना आप समय दीजिए और इस खबरों के बल पर ट्रेडिंग करिएगा, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी के साथ आज का एक छोटा सा प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा, जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हमको आशीर्वाद दीजिएगा ताकि ऐसी अच्छी अच्छी खबरें आपको मिलती रहे। धन्यवाद।